लड़ूंगा जो कि गरीब हैं, जिनको सामान्य भाव से मौका नहीं मिलता है। महिलाओं के लिए मैं लड़ूंगा, मैं उन लोगों के लिए लड़ूंगा जिनको मौका नहीं दिया जाता है। और फिर बोलते हैं मंडेला जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट बनने के बाद भाई सबसे ऊपर पोजीशन पर, तो जितनी अंग्रेजी सरकार थी वो तो चली गई, लेकिन अंग्रेज लोग वहां पर थे और कुछ आला अफसर भी वहां पर थे। तो जितने भी अफसर वहां पर थे अंग्रेजी लोग, वो डरने लगे, कहने लगे कि एक काला प्रेसिडेंट बन गया है, अब तो ये हम लोग को जेल में बंद बंद करके हम सभी लोग को मार डालेगा। सब लोग डरने लगे। मंडेला ने ऐसा कुछ नहीं किया। मंडेला ने क्या किया, मंडेला ने जिन काले लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे या गुस्सा कर रहे थे, उन काले लोगों के पास उनकी बस्तियों में गए और उनको यह समझाया कि देखो उन अंग्रेजों ने जो हमारे साथ किया सो किया, अगर हम उनके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने हमारे साथ किया तो उनके में और हमारे में फर्क क्या रहेगा। मंडेला ने यही बोला। और मंडेला जी को पीस नोबेल पीस प्राइज, जो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम प्राइज होता है, वो मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को, जिनके अंदर गुस्सा था, जिनके अंदर द्वेष था, उन सबको शांत किया, कहा कि देखो मेरे भाई लोग, कुछ भी हो जाए लेकिन अंग्रेजों को कुछ करना नहीं, वो भी अपने भाई हैं, वो लोग भी अपना जमीन छोड़ करके यहां पर आकर के हमारे साथ बसे हैं, बसने के बावजूद उन्होंने भी हमारे लिए बहुत सारा काम किया है, अगर हम आज उनको माफ कर देंगे तो कल को हम सभी दोनों एक साथ मिल करके इस पूरी साउथ अफ्रीका को एक उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। और आज दशा यह है कि साउथ अफ्रीका एक समृद्ध देश कहलाता है, साउथ अफ्रीका दुनिया में एक अच्छा पोजीशन लेकर के आया। हमारे बाद उनको आजादी मिली नेल्सन मंडेला के द्वारा, 1990 में हमारा देश कब आजाद हुआ, 47। संविधान कब बना, 50। 49। तो जब 49 में हमारा संविधान बना और साउथ अफ्रीका में 1990 में आजादी मिली, आज साउथ अफ्रीका भारत से बहुत आगे है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक कारण, और वो ये है, क्षमा। और पहला प्रेम, प्रेम तो है ही। सारे साउथ अफ्रीका के जितने भी काले लोग थे उन सबको बोला कि भैया सबको माफ कर दो, तभी जाकर के जब आप उनके प्रति उनको माफ करोगे, उनके मन में आप जगह बनाओगे, जब जगह बनाओगे तभी जाकर के वो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, एक नेता की यही क्वालिटी होती है। नेता ये नहीं कहता है कि मुझे पोजीशन मिल गया, मुझे पावर मिल गया, तो अब मैं सबक सिखाता हूं इन लोग को, अब सबके मैं बैंड बजाता हूं। मेरे को पहले बहुत गाली देते थे ना, अभी देखो क्या करता हूं मैं इन लोग। अगर वाकई में आप समृद्धि चाहते हो, वाकई में आप विकास चाहते हो, वाकई में आप आर्थिक एवं सामाजिक विकास चाहते हो हमारे आदिवासी भाई बहनों का, हम सभी को एक साथ जुट होकर के एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है, तभी एक अच्छे नेतृत्व, एक अच्छा लीडर बनोगे।